नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूपों की पूजा करने से दुष्टों का अंत होता है। देवी माँ के इस रूप को साहस और वीरता का प्रतीक मानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा ने दुष्टों का विनाश करने के लिए यह रूप धारण किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा दानव रक्त बीज था। इस दानव ने जनमानस के साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि उसके खून की एक बूंद जैसे ही धरती पर गिरती थी तो हूबहू उसके जैसा दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किया, इस तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। और इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त की माँ कालरात्रि ने जमीन पर पड़ने से पहले ही रक्त को अपने मुंह में भर लिया। इस तरह से देवी माँ ने सबका गला काटते हुए दानव रक्त बीज का अंत किया। रक्त बीज का वध करने वाले माँ पार्वती का यह रूप कालरात्रि स्वरूप कहलाया। बोलो माता रानी की जय।